रोज इसकी 10 से 12 बूंद चेहरे पर लगाकर मसाज कर लीजिए। महंगी क्रीम, महंगे फेशियल सब फेल हैं इसके आगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी सीक्रेट सिंधी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्लीनअप बता रही हूँ, और अगर आप इस क्लीनअप को अपनी डेली लाइफस्टाइल का रूटीन बना लें और इससे अपने चेहरे पर मसाज करें, चेहरे को साफ करें इससे, तो महंगी क्रीम, महंगे फेशियल सब कुछ फेल होगा इसके आगे। ये इतना ज़्यादा कारगर होगा दोस्तों, ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने के साथ साथ इतना ज़्यादा सेफ है कि बच्चों की स्किन पर भी इसे लगाया जा सकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कैसे आप अपनी स्किन के कालेपन को साफ करते हैं, चाहे आपके मुँह के आसपास बहुत ज़्यादा कालापन है या फिर माथे पर ज़िद्दी डार्कनेस है, तो उसे भी ये रिमूव कर देगा। और जब मैंने इसे यूज़ किया तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था, और पहली बार में ही इससे सारा कालापन साफ हो गया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इस रेमेडी को बहुत आसानी से बनाकर रोज़ अगर इसका यूज़ करते हैं, रोज़ इससे अपने चेहरे को क्लीन करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपको हैरान कर देने वाले रिज़ल्ट मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्यूटी सीक्रेट सिंधी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर मैं बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको ये रेमेडी बता रही हूँ। और इसके लिए सबसे पहले आप एक बॉल ले लीजिए, और इसमें आपको चाहिए कच्चा दूध। दोस्तों कच्चा दूध हो या पक्का दूध, कोई भी आप एक ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। और यहाँ पर आपको बस 2 चम्मच दूध ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चाहिए एलोवेरा जेल। अगर आपके घर में प्लांट है और आप प्लांट वाला जेल यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास प्लांट वाला जेल नहीं है तो आप मार्केट वाला जेल ले लीजिए। और अगर आप मार्केट वाला जेल लेते हैं तो ईजी होता है यूज़ करने के लिए भी। एलोवेरा के अंदर कितने सारे फ़ायदे होते हैं अगर मैं आपको ये बताने लगूँ तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड करना है इसके अंदर रोज़ वाटर, गुलाब जल, बस आपको आधा चम्मच रोज़ वाटर इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको चाहिए आधे चम्मच के बराबर ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। जब आप इन चीज़ों से अपनी स्किन पर मसाज करेंगे तो झुर्रियाँ भी नहीं पड़ेंगी और आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी साफ होगा। सबसे स्पेशल जो ये रेमेडी काम करने वाली है आपकी स्किन के कालेपन को साफ करने के लिए। हमारी स्किन की अपर लेयर पर बहुत ज़्यादा कालापन जमा होता है, और अगर वो साफ हो जाए तो आपकी स्किन बहुत ही इंस्टेंटली वाइटन और क्लियर दिखती है। तो इस रेमेडी ने कुछ ऐसा ही मेरे साथ किया। तो अब जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद आपको बहुत अच्छे से किसी कॉटन पैड की हेल्प से इस रेमेडी में डिप कर लीजिए, और उसके बाद आप अपने चेहरे पर अप्लाई करना शुरू करें और मसाज करें। इसके अंदर बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हमने ऐड की हैं और इनका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। तो आपको अपने चेहरे पर अच्छी तरह से इससे मसाज करना है, और जैसे जैसे आप मसाज करेंगे तो जो रेमेडी है उस पर जो आपकी स्किन का कालापन है, जो गंदगी है, मैल और डर्ट है, वो उस पर आना शुरू हो जाएगा और आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों इससे आपको अप्लाई करके छोड़ना नहीं, आपको अच्छी तरह से डीपली मसाज करना है स्किन को। और मसाज करने के बाद अगर आप इसे अप्लाई करना चाहें तो 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, उसके बाद नॉर्मल पानी से चेहरे को वॉश कर लीजिएगा। ऐसा अगर आप रात में करें या दिन में करें, रोज़ाना अगर आप इस रेमेडी को फॉलो करते हैं तो कोई भी क्रीम या कोई भी फेशियल इससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा आपके लिए। बिल्कुल नेचुरल, सेफ और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।